कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। मन ही मन क्यों चले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। ओम शांति। कल हम सभी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के निमित्त हमारे सतयुग के फर्स्ट प्रिंस महाराज कुमार वैकुंठनाथ श्री कृष्ण की अनेकानेक विशेषताएं एवं महिमा, उनके चरित्र गाथाएं आदि आदि की जानकारी प्राप्त की। श्री कृष्ण जिसकी महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म। श्री कृष्ण का जन्म अनेक महानताओं से संपन्न था। इन्हीं महानताओं के कारण आज तक भी व्रत उनके मंदिरों में आरती उतारते हुए भाव विभोर होकर यह शब्द कहते हैं, आरती युगल किशोर की कीजिए, तन मन धन सब अर्पण कीजिए। क्या ऐसा कारण है कि उस बालक के पीछे तन मन धन सब कुछ न्यौशावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं? आपने देखा होगा, जब जन्माष्टमी पर कृष्ण किशोर का सवांग बनाते हैं तो उस समय श्रद्धा में आकर जेब से नोट निकालकर उस सवांग के ऊपर वाड़ी फेरी अर्थात दन न्यौशावर कर देते हैं। साधु संत महात्माओं को जो दन दिया जाता है उसे दान कहते हैं, परंतु श्री कृष्ण को जो दन न्यौशावर करते हैं उसे श्री कृष्ण अर्पण कहा जाता है। जबकि मूर्ति कोई मूर्ख से दन मांगती नहीं है और मनुष्य को दन से इतना प्यार होता है तो बिना कुछ मूर्ति के रहे अपने जेब में हाथ डालकर उनके ऊपर नोट न्यौशावर करना इस बात को सिद्ध करता है कि उन्हें कृष्ण के लिए कितना मन में सम्मान है, कृष्ण उनके लिए कितना पूजनीय है। और दूसरी बात, यह तो संसार में एक रिवाज है कि छोटे बच्चे बड़ों के सामने हमेशा झुक जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण की बाल अवस्था से ही अर्थात उनकी बाल अवस्था के चित्रों को ही बाल, बुड्ढे, बच्चे, जवान, साधु, संत, महात्माएं, राजाएं भी उनके आगे झुक जाते हैं। क्या उनके अंदर ऐसी विशेषताएं, क्या उनके अंदर ऐसी महानताएं जो उनके बाल अवस्था के चित्रों की भी पूजा होती है? साधु संत महात्माओं के आगे लोग अपना शीश झुकाते हैं और साधु संत महात्माएं बाल श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अष्टांग अर्थात दंडवत वंदना भी करते हैं। राजाएं जो अपनी प्रजा के लिए अन्नदाता, अपनी प्रजा के लिए पालन करता, वह राजाएं भी श्री कृष्ण के सुंदर सुंदर मंदिर बनाकर उनकी मूर्ति की स्थापना कर
उनकी पूजा करते हैं। अगर किसी को मंदिर में जाने का समय ना हो तो मंदिर के रास्ते से बाहर से गुजरते हुए भी हाथ घुमाकर माथे को छू लेते हैं। इतना तक श्री कृष्ण के लिए मन में सम्मान है। और आपने देखा होगा, जब कृष्ण की मूर्ति मंदिर में रखी जाती है तो उसके चारों तरफ से इस प्रकार से घेरा किया जाता है कि भगत जन चारों तरफ से परिक्रमा दे सकते हैं, परंतु मंदिर में स्थापित मूर्ति को छू नहीं सकते हैं। देवों का आह्वान मंत्रों के द्वारा करने के बावजूद भी भरत उस मूर्ति को स्पर्श नहीं करते हैं। श्री कृष्ण इतने अत्यंत पवित्र और संपूर्ण निर्विकारी थे। अब यह सोचने की बात है कि श्री कृष्ण ने ऐसा महान और इतना ऊंच पद कैसे प्राप्त किया। यह कहावत तो प्रसिद्ध है कि हे राधे, तुमने क्या पुरुषार्थ किया कि श्री कृष्ण वैकुंठ नाथ को तुमने अपना बना लिया। अगर यही कहावत हम श्री कृष्ण जी के लिए कहें कि उन्होंने ऐसा क्या महान पुरुषार्थ किया कि वह जन्म से ही इतने पूजनीय और इतने पवित्र कहलाए। श्री कृष्ण का पूर्व जन्म में अवश्य ही कुछ महान पुरुषार्थ रहा होगा। जन्म से ही पवित्रता का ताज और रतन जरित ताज इस बात को सिद्ध करता है कि उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ विशेष पुरुषार्थ किया है। यह एक कहावत है, नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी पुरुषार्थ के द्वारा बन सकते हैं। श्री कृष्ण जिनका एक नाम श्री नारायण भी कहा जाता है और साथ में यह भी कहते हैं, श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। अर्थात श्री कृष्ण ही स्वयंवर के बाद श्री नारायण बने, तो अवश्य ही श्री नारायण पूर्व जन्म में साधारण नर के रूप में होंगे। दूसरी बात, जन्म से ही स्वस्थ एवं सुंदर तन, निर्मल मन, अतुल धन और अनुपम सम्मान प्राप्त होना, यह पूर्व जन्म के कर्मों अनुसार, संस्कारों और पुरुषार्थ अनुसार ही प्राप्ति होती है। तो यह प्राप्ति उन्होंने परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान और सहज राज्यों की शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया। अवश्य ही उन्होंने पूर्व जन्म में विकारों का संन्यास किया होगा, इसलिए ही वो जन्म से संपूर्ण निर्विकारी कहलाए। पूर्व जन्म में उन्होंने परम ज्योति परमात्मा से अपनी आत्मा के अंदर प्रकाश भराया होगा, इसलिए ही वह जन्म से 16 कला संपूर्ण कहलाए। पूर्व जन्म में गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उन्होंने विकारों के ऊपर जीत पहनी होगी, इसलिए भरत लोट श्री कृष्ण महाराज की जय करके उनकी जय घोष करते हैं। आप सभी कृष्ण की इतनी महिमा सुनकर अवश्य ही मन के अंदर ये उमंग आता होगा कि हम भी ऐसे श्री कृष्ण का दर्शन करें, अपने नैनों से उन्हें निहारें, क्योंकि वो कितने सुंदर हैं। इस दुनिया में कोई सुंदर होता है तो कहते हैं कि शायद भगवान ने, विधि ने इसे खूब अपने हाथों से ही रचा है।
स्वयं विश्वकर्मा ने पूरी अपनी कारीगरी इसे रचने में लगा दिया है। इतने सुंदर हमारे श्री कृष्ण थे, और सचमुच अगर हम उनका दर्शन करना चाहते हैं, चैतन्य में हम अपने नैनों से उन्हें निहारना चाहते हैं, तो हमें भी अपने नैनों को इतना शुद्ध, इतना पवित्र, अपने मन को इतना उज्जवल बनाना होगा। इस पर मुझे एक दृष्टांत याद आता है कि जब लक्ष्मी की स्वयंवर सभा लगी हुई थी और उसमें नारद मुनि भी वहाँ पर आकर पहुँचे और स्वयं श्री नारायण भी वहाँ पर विराजमान थे, और जब लक्ष्मी जी वरमाला लेकर उस सभा में आई तो उन्होंने अपनी वरमाला श्री नारायण के ही गले में डाली। तब नारद जी बहुत ही क्रोधित हुए और अपने को अपमानित महसूस किया। पूछने के बाद में लक्ष्मी जी ने उन्हें कह दिया कि आप अपनी सूरत जाकर आईने में देखो। जब नारद जी अपनी सूरत आईने में देखने गए तो उन्हें चेहरे में बंदरपना दिखाई दिया। लक्ष्मी जी संपूर्ण निर्विकारी, पूर्ण पवित्र, और नारद जी जो सुंदरताई के अभिमान में खड़े थे कि लक्ष्मी जी मुझे ही वरमाला डालेगी, तो ऐसे अभिमान से युक्त इंसान को संपूर्ण निर्विकारी लक्ष्मी कैसे वर सकती है। मंदिर में पूजनीय योग्य देवताओं के दर्शन करने के लिए हमें अपने अंदर से बंदरपना निकालना होगा, तो ही हम उन देवताओं को अपने नैनों से निहार सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। जब तक हमने स्वयं को पावन नहीं बनाया, तमो प्रदान से सतो प्रदान नहीं बनाया, अपना जीवन योगी जीवन नहीं बनाया, तो हम ऐसे सुंदर श्री कृष्ण पुरी की दुनिया में नहीं जा सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, श्री कृष्ण की दुनिया में अगर जाना चाहते हैं तो अवश्य ही हमें तन मन हृदय आत्मा से सुंदर और पवित्र बनना ही होगा। क्या आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण फिर इस धरा पर कब आएंगे? और यह बात समझने के लिए वह पहले इस धरा पर कब थे, यह बात हमें समझनी होगी। जब चारों तरफ के वातावरण में दुख, अशांति, पापाचार, भ्रष्टाचार और तमो प्रधानता देखते हैं, तो भारतवासी इस बात को याद करते हैं कि गीता में दिए हुए वचन के अनुसार उन्हें फिर से अवश्य आना ही होगा। गीता में दिए हुए वचन के अनुसार उन्हें अवश्य आना ही होगा, परंतु भारतवासियों को यह बात मालूम नहीं है कि श्री कृष्ण संपूर्ण पवित्र, सर्वगुण संपन्न, सुलटल संपूर्ण, सतो प्रदान आत्मा इस कलयुग की धरती पर उनका परसाया, उनका पांव भी यहाँ पर नहीं आ सकता है। वह तो सतयुग में जन्मे थे, उनका जन्म तो सतो प्रदान दुनिया में हुआ था। यह महावाक्य तो निराकार पिता परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप जो पार ब्रह्म में रहते हैं, वह कलयुग के अंत में इस सृष्टि पर अवतार लेकर गीता ज्ञान के माध्यम से नर को नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी बनाते हैं। परमात्मा के तीन कर्तव्य हैं, ब्रह्मा के द्वारा दैवी सृष्टि की स्थापना, शंकर के द्वारा कलयुगी महासृष्टि का विनाश, और विष्णु के द्वारा सतयुगी दुनिया की पालना। कृष्ण की आत्मा अपने पूर्व जन्म में साधारण नर के रूप में परमपिता परमात्मा से ज्ञान
और योग की शिक्षा धारण कर आने वाली भविष्य दुनिया में विष्णु के रूप में अर्थात श्री कृष्ण के रूप में पालना का रोल अदा करती है। इसलिए भक्ति मार्ग में कृष्ण के जन्म के दो वर्णन बताए हुए हैं, एक कंस के जेल में और दूसरा जब सृष्टि की जलमयी हो रही थी तब पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ श्री कृष्ण आया। ये दोनों ही जन्म के वर्णन इस बात को सिद्ध करते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कलयुग के घोर अंधेरी रात में जब कंस रूपी राक्षस का राज्य हर आत्मा के ऊपर चल रहा है, सर्व आत्माएं अज्ञान नींद में सोई हुई है और जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तब प्रकृति दासी बन जाती है, मनुष्य आत्माएं अपने कर्म बंधनों से छूट जाते हैं और यह कंसपुरी कृष्णपुरी के रूप में बदल जाती है। और दूसरा पीपल के पत्ते पर जन्म, इसका अर्थ है जब सृष्टि की जलमयी अर्थात जब कलयुग का महाविनाश हो जाता है और उसके बाद इस सृष्टि का पहला पत्ता अर्थात यह मनुष्य सृष्टि जो एक वृक्ष के समान है उसका पहला पत्ता सतयुग का पहला राजकुमार श्री कृष्ण के रूप में दिखाते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आपको सुनाते हुए यह अति हर्ष हो रहा है कि अब यह कंसपुरी बहुत ही जल्दी समाप्त होनी है और हम सबका लाडला श्री कृष्ण फिर से बंसरी बजाता हुआ हम सबके जीवन में सुख चैन का आनंद लेता हुआ बहुत ही जल्दी निकट कलयुगी महाविनाश के बाद आ रहे हैं और उस दुनिया में जाने के लिए अब हमें स्वयं को तैयार करना है, क्योंकि उस दुनिया में हम तब जा सकते हैं जो रायन है कि जहाँ राम है वहाँ काम नहीं है, जहाँ रात है वहाँ दिन नहीं है, जहाँ दुख है वहाँ सुख नहीं है, जहाँ योग है वहाँ बोध नहीं है। तो हमारे श्री कृष्ण योगी राज हैं, उस दुनिया में जाने के लिए हमें भी उस परमपिता परमात्मा से राजयोग की शिक्षा लेकर अपने सर्व विकारों को नष्ट कर संपूर्ण पावन बनकर उस दुनिया में जाने का शुभ अवसर लेना है। ओम शांति। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके बिजबाला, बड़ी देर भई नंदलाला बाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके बिजबाला, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके बिजबाला। जाए कुंज गलिन में तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को तरस रहे हैं, बरस रहे हैं जमुना के तट धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। अब तो दर्श दिखा दे नटखट क्यों दुबधा में डाला रे, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके
ब्रज बाला, ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी आहट के ब्रज बाला। जन्म लिया जिस पर तूने जन्म लिया पूरा कर दे ओ, पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया भारत का रखवाला रे हरिदे भई रंग लाला तेरी राहत के ब्रज बाला ओ हरिदे भई रंग लाला तेरी राहत के ब्रज बाला। बाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे हरिदे भई रंग लाला तेरी राहत के ब्रज बाला ओ बड़ी देर भई रंग लाला।